नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान न्यूज और मैं हूं अमित। कहते हैं कि जब इंसान ठान लेता है तो कोई भी मंजिल उसके लिए कठिन नहीं होती है, यही कर दिखाया है सिवान के बसंतपुर प्रखंड के बसाव निवासी सोनू ने, जिसकी खबर हमने पीछे दिखाई है आपको, जिसके बाद वह एक काफ़ी ही गरीब परिवार का बच्चा है, उसकी पढ़ाई के लिए मदद के हाथ आगे सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी आए हुए हैं और सोनू से मिले हैं और उसको सम्मानित किए हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है चौधरी जी का। सबसे पहले मैं पूरे अपने जितने राज्य के जो भी चैनल है, मैं अपने पार्टी के तरफ से और गुड़िया कोठी के मेरे हमारे नौजवान मित्रों के तरफ से और गुड़िया कोठी के जितने हमारे गार्जियन हैं और माताएं हैं और बहनों हैं, मैं उनके तरफ से सभी चैनल का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद दे रहा हूं। सोनू के बारे में क्या कहेंगे? सोनू या सिवान जो है ये राजेंद्र बाबू का धरती है। हम लोग चाहेंगे कि सोनू राजेंद्र बाबू के तरह जितने हमारे सिवान के जो विद्यार्थी हैं, जो भी हमारे सिवान के बच्चे हैं, जो नौजवान साथी हैं, जो मित्र हैं, सब लोग राजेंद्र बाबू के तरह बने और सोनू के तरह बने। और हम इनके गार्जियन से यह मैं अपने पार्टी के तरफ से आग्रह करता हूं कि जो भी जहां त्रुटियां होगी उसमें मेरी पार्टी बढ़ चढ़ कर मदद करेगी और हम लोग राजद का सिपाही हैं और हम लोग भी बढ़ चढ़ कर मदद करेंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे। इसलिए मेरे सिवान का यह लड़का एक भविष्य है। यह हम चाहेंगे जितने हमारे लड़के हैं सिवान का, हम मेरे राज का, सब लोग सोनू की तरह बने और राजेंद्र प्रसाद की तरह बने। अच्छा लगा मिलके, और क्या कुछ मिला उनके तरफ से? मिलके बहुत खुशी हुआ सर। अगर ऐसे ही शख्स, अगर गरीब मजदूर के बच्चों को ऐसी सहायता मिलती रही तो इस दुनिया में कोई ऐसा गरीब मजदूर जो पढ़ने के लिए लक या जो अपने जीवन में कुछ करने के लिए लक रखता हो, अगर वो करना चाहे तो अब वो लड़का भी कुछ कर सकेगा जिसके पीछे जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल बैड है या फिर अनहेल्पफुल है। इसलिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कहाँ से पढ़ाई करना चाहोगे आगे और क्या लक्ष्य है आगे जीवन में? जीवन में मेरा लक्ष्य एक ही है और वो है साइंटिस्ट बनना, और साइंटिस्ट बन करके देश में अपना नाम नहीं बल्कि दुनिया में अपने देश का नाम करना है। सोनू बचपन से ही मेधावी छात्र रहा है और सोनू जब से मेरे विद्यालय में था कंटिन्यू 7 साल तक मेरे यहाँ स्टडी किया और इन 7 साल में कभी भी नंबर 1 से कभी पीछे की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। गरीबी अवस्था में भी है ना, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और मैंने अपने विद्यालय की तरफ से हमने उसे हमेशा कोऑपरेट किया और आगे भी जहां तक संभव होगा वो जहां तक शिक्षा ग्रहण करेगा मेरा कोऑपरेशन हमेशा उसके प्रति रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको ठेला चलाकर पढ़ाने के। कहां पढ़ाना चाहते हैं? अब आप लोगों को जहां सहयोग होगा वहीं पढ़ाएंगे। अभी सोनू को सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है? सम्मान किया गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है।